भाजपा की दिग्गज नेत्री व प्रदेश की पूर्व कैबिनेट मंत्री रही डॉक्टर कमला वर्मा का आज यमुनानगर में राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। कमला वर्मा को अंतिम विदाई देने के लिए भाजपा नेताओं का तांता लग गया, जिनमें पार्टी प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़, शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर, सांसद संजय भाटिया, पूर्व मंत्री कर्णदेव कांबोज सहित कई बड़े नेता शामिल रहे। इस दौरान भाजपा नेताओं ने नम आंखों से कमला वर्मा को अंतिम विदाई दी और कहा कि कमला वर्मा हमारी प्रेरणा स्रोत हैं और उनकी कमी कोई पूरा नहीं कर पाएगा। कमला वर्मा जी भारतीय जनता पार्टी की प्रथम महिला अध्यक्ष थी हरियाणा की। ये बहुत बड़ी बात है कि जब भारतीय जनता पार्टी बनी तो नेतृत्व तो महिला को मिला, क्योंकि बहुत सीनियर नेता उसमें भी जनसंघ की कमला वर्मा जी थी। तो पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के साथ, अडवाणी जी के साथ लंबे समय तक काम करने का मौका मिला। 3 बार कैबिनेट मिनिस्टर रहे, लेकिन उनके लिए सबसे खुशी की बात यह थी कि एक छोटी पार्टी के रूप में जब मैं मिलने आया तो मैं कहा ओम प्रकाश हम चले थे, और इन्हीं आँखों से ऋषि शरीर से एक पूरा शासन मैंने भारतीय जनता पार्टी का देखा, एक पूरी पार्टी के रूप में देश में भी शासन करते हुए देखा और प्रदेश में भी शासन करते हुए देखा। इसलिए मुझे बहुत आनंद है, बहुत ही मैं कहूँगा कि हम सब कार्यकर्ताओं के लिए वो एक प्रेरणा की स्रोत थी। सब कार्यकर्ता उनसे प्रेरणा लेते थे। उनका एक लंबी पारी के बाद वो आज हमारे बीच से गई हैं, लेकिन उनकी जो प्रेरणा है, जो उनके काम हैं, जो लगातार महिला होते हुए दशकों पहले बहुत अच्छे से कामों में मैं कहूँगा आधी शताब्दी से भी ज़्यादा लंबी पारी उनकी इस प्रकार से राजनीति में चली, वो हम सब कार्यकर्ताओं को सदा प्रेरणा देती रहेगी। उनकी प्रेरणा हम सब के बीच में स्थायी रहेगी। 3 बार हरियाणा की कैबिनेट मंत्री रही 53 साल की कमला वर्मा कोरोना व ब्लैक फंगस की चपेट में आ गई थी, जिसके चलते बीते दिन जिले के एक निजी अस्पताल में उनका निधन हो गया। कमला वर्मा के अंतिम सफर में उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करने पहुंचे शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने कहा कि इनका निधन पार्टी के लिए बड़ी क्षति है, क्योंकि छोटी सी पार्टी को इतनी ऊंचाइयों तक पहुंचाने में कमला वर्मा का अहम योगदान है। कमला वर्मा जी हमारी पार्टी की बहुत ही वरिष्ठ नेता थी और उनके मार्गदर्शन में मेरे जैसे और भी हजारों कार्यकर्ता जो है मार्गदर्शन में यहाँ तक पहुँचे हैं। वो हरियाणा की पहली प्रदेश अध्यक्ष थी और मैं समझता हूँ कि शायद हरियाणा की पहली, मतलब अब तक की पहली वो महिला अध्यक्ष भी वही है। उनके मार्गदर्शन में पार्टी ने बहुत तरक्की की। वो 3 बार हरियाणा की हेल्थ मिनिस्टर रही और पूरे जीवन में जिस प्रकार से समाज के लिए, अपने हल्के के लिए, जिस प्रकार से पूरे प्रदेश के लिए काम किया, उसको हमेशा याद किया जाएगा। मैं उनके चरणों में अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। डॉक्टर कमला वर्मा का राजनीतिक जीवन बहुत ही सम्मानित और गौरवपूर्ण रहा। वो पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी व आडवाणी जैसे दिग्गज नेताओं के साथ काम कर चुकी हैं और हरियाणा में पार्टी को एक नए मुकाम तक पहुंचाने में उनका अहम योगदान है। बता दें कि कमला वर्मा बीते दिन यमुनानगर के एक निजी अस्पताल में अंतिम सांस ली। उनका यहाँ पिछले 1 महीने से इलाज चल रहा था। यमुनानगर से सुमित ओबेरॉय, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।